गिनती की पुस्तक अध्याय 9, गिनती की पुस्तक अध्याय 9, दूसरी बार फसह का माना जाना और सदा के लिए फसह की विधि। इसराइलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, इसराइली फसह नाम पर्व को उसके नियत समय पर माना करे, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मानना। तब मूसा ने इसराइलियों से फसह मनाने के लिए कह दिया और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय सीनै के जंगल में फसह को माना और जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इसराइलियों ने किया। परंतु जितने लोग किसी मनुष्य की लोथ के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मान सके वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध है, परंतु हम क्यों रुके रहे और इसराइलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाए। मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि चाहे तुम लोग चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो वा दूर की यात्रा पर हो तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन की गोधूली के समय माने और फसह के बलि पशु के मांस को अखमीरी रोटी और कड़ुए सागपात के साथ खाए और उसमें से कुछ भी बिहान तक न रख छोड़े और न उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार माने। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर न हो परंतु फसह के पर्व को न माने वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर न ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। और यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह माने तो वह उसी विधि और नियम के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारी एक ही विधि हो। इसराइलियों की यात्रा की रीति। जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा और नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता तब इसराइली प्रस्थान करते थे और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता था वही इसराइली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इसराइली कूच करते थे और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे और जब जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता तब इसराइली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे और कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता और तब वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे और फिर यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता और जब वह भोर को उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे और यदि वह रात दिन बराबर रहता तो जब बादल उठ जाता तब ही वे प्रस्थान करते थे। वह बादल चाहे दो दिन चाहे महीना चाहे वर्ष भर जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इसराइली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे, परंतु जब वह उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा
यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे।